हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है पेंशन से संबंधित एक अपडेट है जो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं पेंशन से संबंधित, तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं इस अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है, ईपीएफओ जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम जाने, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन। तो देखिए, पेंशन के नियमों के अनुसार पेंशन धारकों को हर साल नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। अगर पेंशन धारक ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत आपको पेंशन मिलती रहे, इसके लिए आपको इस माह के अंत तक यानी कि नवंबर माह के अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ के पास जमा कराना जरूरी है। पेंशन धारक जिस बैंक की शाखा में पेंशन पाते हैं उस शाखा में भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। अगर आप यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते तो अगले साल जनवरी से आपकी पेंशन बंद हो सकती है। हालांकि अब जब आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करा देंगे तो आपको पेंशन मिलना फिर से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पेंशन के नियमों के तहत कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन पाने वाले सभी पेंशन धारकों को हर साल नवंबर में बैंक मैनेजर या किसी गैजेट ऑफिसर द्वारा प्रमाणित जीवन नॉन रिमेजरी सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी होता है। अगर आप जमा नहीं कराते तो आपकी जो है पेंशन बंद हो सकती है, ठीक है। तो 30 नवंबर तक जमा कराने की अंतिम तिथि, ये प्रमाण पत्र बनाने और इसे जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो जाती है। इसे जमा कराने की अंतिम तिथि जो होती है 30 नवंबर तक होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ईपीएफओ ने भी ट्वीट करके बताया, आप देख सकते हो, ए पेंशनर्स रिक्वायर्ड आधार कार्ड, पीपीओ नंबर, बैंक डिटेल्स एंड मोबाइल नंबर डर्निंग द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र। अब आपके बता देते हैं कि डिजिटल भी निकाल सकते हैं सर्टिफिकेट डिजिटली। सरकारी पेंशन धारकों की तरह ही जो है ईपीएफओ पेंशन धारक भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपना आधार कार्ड नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल तथा मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है। पेंशन धारकों ईपीएफओ ऑफिस की किसी भी शाखा या जहां से पेंशन पाते उस बैंक की शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर या उमंग ऐप के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ईपीएफ ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, देश भर में मौजूद सिटीजन सर्विस सेंटर्स, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज यानी कि पीडीए जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक से पेंशन धारक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट लैपटॉप या मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के जरिए भी घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप यह सर्टिफिकेट घर पर प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत होगी जिससे आप आइरिस या फिंगरप्रिंट डेटा कैप्चर कर सके। तो फ्रेंड्स, ये एक अपडेट था पेंशन से संबंधित। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा और इस तरह के अपडेट पाने चाहते हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।